हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एट होम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सा DIY जो कि आप बेकार पड़ी हुई कतरन और 1 रुपए के सिक्के से इजीली बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, तो इसलिए आखिरी तक मेरे साथ में बने रहिएगा। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये क्लॉथ का एक पीस लिया है, ये छोटा सा टुकड़ा है, और ये मैंने एक रिंग ली है, ये जो कि चाबी के छल्लों में रिंग जो रहती है ये वो है, वही रिंग है जो कि इजीली आपके पास में भी होगी, इजीली अवेलेबल हो जाती है। और साथ ही मैंने लिया है 1 रुपए का सिक्का। ये आप देख सकते हैं, ये जो 1 रुपए का सिक्का इसके अंदर डाला तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं हो रहा है, बट ये थोड़ा सा हल्का सा ढीला है और उसी साइज़ का है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपके पास में रिंग छोटी है तो आप छोटे सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया है ये साटन का पीस है, इस तरफ से इस तरीके का है और पीछे से मुलायम है, तो जिस तरफ से मुलायम है, जिस तरफ से सिल्क है, उसी तरफ से हमें दोनों साइड उसको इस तरीके से मोड़ना है, सिल्क साइड रहनी चाहिए दोनों तरफ, और उसे इस तरीके से रिंग के ऊपर रखना है और 1 रुपए के सिक्के से इस तरीके से हमें उसे दबाना है, और दबाते हुए एकदम से प्रेस कर दीजिए, प्रेस करके इस तरीके से इसे कर दीजिए। ये देखेंगे आप, पीछे से जो हमारा जो बेस है वह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इस पर कोई भी सल नहीं होने चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सल आ रहे हैं तो आप कपड़े को आसपास से खींच कर उसके सल हटा सकते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसे सीज़र की मदद से कट कर देंगे, कैंची से इसे कट कर देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसे कट डाउन कर देंगे। अगर कुछ कम ज़्यादा भी कट होता है, कुछ आड़ा टेढ़ा कट हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट कट होना ज़रूरी नहीं है। यह आप देख सकते हैं, पीछे से ये बेस इस तरीके का दिखेगा। अब लाइटर की मदद से हम जो इसका जो पार्ट बचा हुआ है उस तरीके से इसे इस तरीके से जला देंगे। आप चाहें तो मोमबत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लाइटर का यूज़ करके बता रही हूँ। इस तरीके से हम इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे चला देंगे और आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का बन जाएगा। ये 1 रुपए के सिक्के से हमने बनाया है और ये पीछे से बेस इसका ऐसा रहेगा। अब सिक्के को प्रेस करते हुए हम इसे निकाल लेंगे और अब आप ये देख सकते हैं, ये पीटल बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इतनी सारी पिटल्स तैयार करके रखी हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब हमें क्लॉथ के पीसेस लेने हैं, जो कि फर्स्ट वाला है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का 3 सेंटीमीटर, और जो थर्ड वाला है उसे 1 रुपए के सिक्के के बराबर ही हमें कट करना है। ये जो भी हमें बेस के लिए जो कपड़ा लेना है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, और ये 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाला क्लॉथ पीस मैंने लिया है। अब सुई धागे की मदद से इस तरीके से हम पिटल्स को लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल से टाके लगाने हैं, इसमें कोई भी मेहनत वाला काम नहीं है। और इस तरीके से सेकंड पिटल को हमें लगाना है जिससे कि वो फर्स्ट वाले के इस तरीके से ऊपर आए। इस तरीके से एक टाका हमें पिटल में लगाना है और फिर नेक्स्ट पिटल को डालना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने ये थर्ड पिटल को डाला, ये इसके ऊपर आई है। अब एक टाका इसी पिटल पे लगेगा, अब हम नेक्स्ट पिटल को डालेंगे। इससे क्या होगा, पिटल्स अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं और बिल्कुल फिक्स रहेंगी और अच्छे से हमारा जो फ्लावर है वो इजीली बन पाएगा। इसी तरीके से हम सारी पिटल्स को लगा लेंगे।
ये आप देख सकते हैं, हमने 10 पेटल्स को लगा लिया और जो लास्ट पेटल जो रहेगी, तो फर्स्ट वाली जो आगे से हमने जो छोड़ा था, फर्स्ट वाले को इस तरीके से रखना है कि वो लास्ट वाली के ऊपर आए, और इस तरीके से हम इसके टाके लगा लेंगे। पीछे से हम इसे फिक्स कर देंगे और ये कट करके ये हमारा एक फ्लावर बेस बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से जो 3 सेंटीमीटर डायामीटर वाला था और 1 रुपये के सिक्के वाला था, उसे हमने पेटल्स से लगा लिया है। 3 सेंटीमीटर डायामीटर वाले में हमने 7 पेटल्स लगाई हैं और जो 1 रुपये वाला जो डायामीटर वाला जो बेस था उसमें हमने 3 पेटल्स को लगाया है। अब हम इस तरीके से 2 बेस को रखते हुए इसमें से सुई को निकालेंगे और अब इसके ऊपर 3रे बेस को भी इस तरीके से रखते हुए हम इसे स्टिच कर देंगे। इस पूरे को हमें अच्छे से स्टिच कर देना है। आप चाहें तो बीच में एक मोती भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हम इसे 2-3 टाके लगाते हुए स्टिच कर देंगे। लास्ट में हम इसे अच्छे से टाई अप कर देंगे, इसे बांध दीजिए, गिठान लगा देंगे इसमें। और अब आप ये देख सकते हैं ये फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। बीच में मैं इसमें एक नग को पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे आपको फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। फैब्रिक ग्लू से आप नग को पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, और आप ये देख सकते हैं ये हमारा फ्लावर बिल्कुल तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे हेयर बैंड के ऊपर भी लगा सकते हैं, बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर हेयर बैंड तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे फ्रॉक में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रॉक में भी साइड्स में लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे पर्स के ऊपर भी लगा कर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, साथ ही मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर भी मेरे पेज को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।